नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में आज के दिन सतवंत सिंह और केहर सिंह को दी गई थी फांसी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल सतवंत सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मी थे। इन दोनों ने 31 अक्टूबर 1984 को सरकारी आवास पर इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी थी। बेअंत सिंह को उसी समय मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में केहर सिंह भी शामिल था। सतवंत सिंह और केहर सिंह को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। टेलीग्राफ तकनीक की आज के दिन सैमुअल मॉर्से ने की थी खोज। टेलीग्राफ तकनीक की खोज 6 जनवरी 1938 को सैमुअल मॉर्स ने की थी। इसके माध्यम से पहली बार विद्युत आवेश का इस्तेमाल कर कोडेड मैसेज को तार से भेजा गया था। यह तकनीक बाद में टेलीफोन के लिए आधार साबित हुई। हालांकि इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने 1753 में किया था, लेकिन इसको मूर्त रूप देने में ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि रोनाल्ड ने तार से खबरें भेजना संभव कर दिखाया था, लेकिन आजकल के तारयंत्र के आविष्कार का अधिकांश श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल एफ बी मोर्स को जाता है। देश को विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव का आज के दिन हुआ था जन्म। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में उनकी गणना होती है। 1983 में भारत को विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। विश्व कप में कपिल देव की 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। विजडेन ने 2002 में कपिल देव को सदी का भारतीय क्रिकेटर चुना था। कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच खेला था। कपिल देव के नाम 20 वर्ष की उम्र में 1000 रनों बनाने और 100 विकेट लेने का कीर्तिमान दर्ज है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का आज के दिन हुआ था निधन। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु ने रीतिकाल की सामान्य संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। भारतेंदु ने नियमित रूप से खड़ी बोली में कई नाटक लिखकर हिंदी नाटक की नींव को मजबूत किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।